नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, बात करने वाला हूँ सबसे ज़्यादा डिविडेंड देने वाला पेनी स्टॉक। और चाहो तो अगर आप, ठीक है, ये मेरे खुद की पर्सनल स्टडी है, मेरा खुद का पर्सनल व्यू है, अगर आप को समझ आती है तो यू कैन सी, नहीं समझ आती तो आप थोड़ा नीचे कमेंट करना, डेफिनेटली हेल्प करूँगा। और जिनको नहीं पता है, बेसिकली हर संडे प्राइवेट क्लास होती है, उसमें आओ, डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकता, तो वहाँ पर बताई जाती है। कुछ नहीं करना, लाइक करना है वीडियो को, शेयर करना है, कॉमेंट करना है और मैसेज करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ मैसेज कर देना स्क्रीनशॉट, मैं आपको प्राइवेट क्लास का लिंक दे दूँगा। ठीक है, अभी जो स्टॉक है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा डिविडेंड देता है और लास्ट 10 ईयर्स से ऑलमोस्ट एक प्राइस में ट्रेड कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट एक प्राइस में ट्रेड कर रहा है। और ये स्टॉक यहाँ से आराम से आपको 100-200% का रिटर्न देखे जा सकता है आराम से। और साथ में डिविडेंड तो भाई ये 2-3 रुपये पर शेयर दे देता है, और प्राइस बहुत छोटा शेयर है प्राइस, ठीक है, ज़्यादा बड़ा प्राइस भी नहीं है। तो दिखाता हूँ आपको मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ, का नाम आपको भी बतलाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में, कंपनी के बारे में, ठीक है। पावर का स्टॉक है, 5% के आसपास डिविडेंड यील्ड है, आप लोग देख सकते हो, ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो। प्लेज होल्डिंग है ही नहीं प्रमोटर्स की, आरओसी पॉजिटिव है। साथ में कंपनी आप देख सकते हो अच्छा डिविडेंड पे आउट जैसे बताया गया आपको। और आप बात करते हैं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, जून में कंपनी का नंबर हो गया 1,039 करोड़ का, मतलब मोर देन 1,000 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है, और डिसेंट प्रॉफिट कंपनी दे रही है। ईयरली प्रॉफिट आप लोग देख सकते हो लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। और कंपनी के प्रॉफिट देखो 3,000 करोड़, 1,200 करोड़, 3,500 करोड़, 3,600 करोड़ हाईएस्ट प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। अब इतना अच्छे प्रॉफिट आने के बावजूद प्राइस ऊपर नहीं जा रहा, आप लोग सोच रहे होंगे प्राइस यार ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि कंपनी भैया साल में 2-3 रुपये का डिविडेंड देती है, ठीक है। और एक छोटा सा आपको पता है, कंपनी का काम पावर का है, तो पावर आपको पता है एक आम आदमी की नीड होती है, तो यहाँ पर ज़्यादा मार्जिन और प्रॉफिट आपको देखने को नहीं मिलते। प्रॉफिट बड़े आ रहे हैं लेकिन प्राइस में ना इतना बड़ा पंप आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अब रीज़न उसका यही है कि यार पावर का स्टॉक है, ठीक है। और अगर बात करते हैं इसके डेट, तो डेट देखो ये आपके सामने है, छोटा मोटा डेट है, साथ में रिजर्व भी ठीक ठाक है। अब बात करते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो देखो 70% है। अब प्रमोटर्स के अंदर अगर आप क्लिक करोगे एक बार, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर आपका नाम आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो एक बोल सकते हैं गवर्नमेंट का स्टॉक है। और ये भी एक रीज़न है स्टॉक का ना चलने का, रिटर्न ना आने का, गवर्नमेंट के स्टॉक में ना रिटर्न नहीं आती है, सच्चाई है इसमें, ठीक है, वो स्टॉक चलते ही नहीं है। लेकिन इतना समझ लो कि अगर आपको डिविडेंड लेना है तो बाय कर लो। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक और बात, अगर 100% रिटर्न चाहिए तो स्टॉक को नज़रों में रखो, दे सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई स्टॉक 10 ईयर से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, आप मुझे नहीं पता क्या खबर की वजह से ब्रेकआउट फटेगा, क्या फटेगा मुझे नहीं पता, ठीक है, वो आपको टाइम बताएगा। लेकिन ये समझ लो कि 10-20 साल से स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली इसका भी टाइम आएगा, क्योंकि कभी कभार ध्यान रखना जो गवर्नमेंट स्टॉक्स होते हैं ना उनका भी टाइम आता है। अब लास्ट 20 ईयर से इन्हें चला नहीं है स्टॉक गवर्नमेंट का, तो यार अगले 2-3 साल के अंदर क्या पता इन्हीं का नंबर लग जाए, ठीक है। आपको लगे ना लगे लेकिन यही सेक्टर मतलब गवर्नमेंट के जो स्टॉक्स है इन्हीं में आपको पंप देखने को मिल जाए, इतना पंप देखने को मिल जाए भाई कि 1 रुपये का जो शेयर था 100-100 रुपये हो जाए, 10 रुपये हो जाए, क्योंकि लास्ट 20 ईयर से इन्होंने रिटर्न नहीं दी। और ये होता भी है स्टॉक मार्केट में, पॉसिबल है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बोला जाता है, तो इसलिए बोला जाता है कि हर जगह पैसा डालो, उसका रीज़न यही है, हमें नहीं पता ना कौन सेक्टर चलेगा। अब उसके लिए थोड़ी बहुत डीप रिसर्च करनी पड़ती है, अंडरस्टैंडिंग चाहिए मार्केट के बारे में, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप एक अच्छा खासा डिसीजन मेक कर सकते हो। अगर नहीं आता बनाने तो सिंपल से बात है भाई, छोटा अमाउंट डालो, सही अमाउंट डालो, लेकिन स्टॉप लॉस टारगेट पता होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपका प्लान ए और प्लान बी है तो आप ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हो, मतलब प्लान बी का मतलब है ट्रेड करके, ठीक है। आपको पता है कि डिविडेंड तो मिल ही रहा भैया 2-3 रुपये पर शेयर, ठीक है, 1,000 शेयर बाय करोगे तो अच्छा खासा डिविडेंड आ जाएगा, और साथ में प्राइस भी इसका अब आराम से 50-100% चले जाएगा, और साथ में ट्रेडिंग करके भी आप फिर डिसेंट रिटर्न जनरेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पेनी स्टॉक है और इसमें वॉल्यूम तगड़ा आता है, गवर्नमेंट का स्टॉक है ना भाई, वॉल्यूम तगड़ा आएगा ही आएगा, ठीक है। 34 रुपये का शेयर है, NHPC स्टॉक का नाम है, ठीक है। अगर आप चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको, तो आपको थोड़ा आसान होगा समझने में। देखो चार्ट मैं यहाँ पर खोल रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। स्टॉक का बाय का करना, स्टॉप लॉस का लगाना सब बताऊँगा, तो आप बने रह सकते हो। और मैंने इसको पहले ही बताया था आपको, ये स्टॉक देखो यहाँ पर एक मंथली इनसाइड बार बनाया था, यहीं इसने सपोर्ट लिया और ये आपका स्टॉप लॉस था। मतलब ये स्टॉक अगर आपको दोबारा अगर मिलता है
पैसे मिलने के चांसेस बहुत कम है, 29 मिलता है या 30 मिलता है, तो आप बाय कर सकते हो 27 रुपये का एसएल लगा के। मतलब 2 रुपये का आपको एसएल लगाना है, सिर्फ 2 रुपये का। अगर मिलता है प्राइस 34 रुपये, अच्छा प्राइस है, लेकिन 30 रुपये पे बाय कर सकते हो, 2 रुपये का एसएल है। अब रिवॉर्ड मेरे हिसाब से सो यहाँ से एटलीस्ट डबल और ट्रिपल भी हो सकता है। अब आप खुद देखो, लास्ट 10 ईयर से देखो इसी रेंज में घूम रहा है। अब मैं यही कह रहा हूँ कि इसको कभी भी फट सकता है, और मुझे लगता है ये फट चुका है। देखो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट कर दिया मंथली में, और ये समझ लो यहाँ पर ये फट चुका है। अब ये रेडी है हो रहा है एक नए जर्नी के लिए। मतलब ये देखो डब्लू पैटर्न यहाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ये डब्लू, ठीक है, और ये डब्लू पूरा ऐसे फुलफिल होकर ऊपर जाएगा, खींच देगा इसको। मतलब 50 रुपये से ऊपर तो सागर दिख ही रहे, 60-70 रुपये तो आराम दिख रहे हैं, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट का स्टॉक है, क्या पता भैया पंप बढ़ा जाए, स्टॉक 250-300 रुपये दिख जाए आपको। चाहो तो स्टॉक को आप नजरों में रख सकते हो। तो प्राइस मैं आपको बता चुका हूँ, 30 रुपये मिलता है तो अच्छा प्राइस है, 27 रुपये का स्टॉप लॉस है, और अगर 34 पे बाई करना 34 पे अच्छा प्राइस है, नो डाउट अच्छा प्राइस है, लेकिन नीचे थोड़ा मिलता है तो वहाँ एवरेज पक्का करना है 30 रुपये पे, 27 रुपये का एसएल पक्का लगाना है, ठीक है। तो नजरों में रख सकते हो आप इस सबसे अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी, और साथ में प्रॉफिटेबल बिजनेस में गवर्नमेंट सेक्टर का स्टॉक है, ठीक है, स्लो मूविंग है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। प्लान बी पक्का इसमें इंप्लीमेंट करना अगर आप कर सकते हो। अब प्लान बी क्या है? ट्रेडिंग। अब आपको नहीं पता प्लान बी कैसे एग्जीक्यूट करना है तो संडे जो प्राइवेट क्लास होती है उसमें आ जाओ, उसमें आपको सिखाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और क्लास का लिंक ले जाओ, बस इतना काम है, ठीक है। मैंने भी कल एक वेबिनार ज्वाइन किया था, बताना चाहता, ठीक है, 600 रुपये का कोर्स होता वेबिनार भाई। उसमें वो बताया, क्या बताया गया, डाओ थ्योरी बताई गई, और उसको बोला गया हायर हाई पैटर्न का, जो हायर हायर का पैटर्न है उसको डाओ थ्योरी बोली जाती है। और भैया वो 600 रुपये का कोर्स था, अब 70,000 का उनको कोर्स बेचना है, ठीक है, तो उसको भी इन्होंने बहुत सारे नाम दे दे के कोर्स बेचने, बस तो 600 रुपये जो था उसने एक थ्योरी बताई हायर हाइज का पैटर्न। तो हायर हाइज का पैटर्न बच्चे बच्चे को पता है, अगर आप थोड़ा पढ़ोगे उसके बारे में, गूगल करोगे, यूट्यूब में वीडियोज देखोगे, दिख जाएगा। उसमें वही बताया गया बस, और कुछ नहीं। और बाकी उसमें कोर्स बेचा गया अपना 2 घंटे तक, 3 घंटे का वेबिनार था बेसिकली वो, ठीक है। चाहो तो क्लास का लिंक भी, रिकॉर्ड भी पड़ी है उसकी, 4 तास लगता है यूट्यूब में, लेकिन डालने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भाई, अगर सच में सीखना है तो वहाँ आ जाओ, वहाँ पर सिखाऊंगा। लेकिन हाँ एक चीज़ वहाँ पर ये भी है कि यार बेसिकली लोगों को सच बताऊँ तो कैंडलस्टिक पढ़ना भी नहीं आता है, ठीक है, 70% लोगों को पता ही नहीं क्या है सच बताऊँ तो। और हो सकता है कि वो इसी चीज़ का लोग फायदा उठाते हैं भाई कोर्स बेच के, सच्चाई तो इसमें है भाई, ठीक है ना, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कैंडल स्टिक ये क्या है, ये क्या है, वो रेड ग्रीन बताते हैं, वो सबको पता नहीं रहता भाई कि रेड का मतलब क्या है, ग्रीन का मतलब क्या है, सच्चाई है इसमें यार, ठीक है। शुरू में जब मैं भी था तो मुझे खुद ही नहीं पता था, तो यार ये तो सच्चाई है। तो मतलब जो कोर्स बेच रहे हैं एक प्लानिंग है पूरी तरीके से, ठीक है, और लोगों की नीड है तभी बेच रहे हैं भाई, ठीक है, और लोग खरीद भी रहे, तो मैंने भी खरीदा था, ठीक है। तो चलो खत्म करता हूँ वीडियो को, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।